हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट एकेडमी। स्टूडेंट मेरा नाम है आकाश। आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th वालों के लिए। सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न बात करने वाले हैं, वो भी ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि 4 नंबर और 6 नंबर के लिए पूछे जाएंगे। ठीक है, सबको मालूम है कि 2023 बोर्ड एग्जाम में पैटर्न चेंज हो गया है। जो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आ रहे थे वो आपका कन्वर्ट हो गया बहुविकल्पीय में, मतलब 20 नंबर के बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे, अन्यथा 4 नंबर के और 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरीय एंड दीर्घोत्तरीय, ये दोनों मिलाकर 50 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगातार मैं पढ़ा रहा हूँ, आप लोगों को तैयारी कर रहा हूँ, 20 में 20 लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। इस बार 20 में 20 आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा, और तैयारी यहाँ पे भी चल रही है कि 50 में कम से कम आप लोगों का 40 नंबर आ जाए सब्जेक्टिव में भी। ठीक है, तो आज वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पहला प्रश्न देखो, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यह प्रश्न तैयार होना चाहिए आप लोगों को। नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट कीजिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है। आप देखो हेडिंग डालोगे नवीकरणीय संसाधन, लिखोगे वे संसाधन जिन्हें भौतिक रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा नवीकृत या पुनः उत्पन्न किया जा सकता है उन्हें नवीकरण योग्य अथवा पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कहा जाता है। मतलब कह रहा है कि वे संसाधन चाहे वो भौतिक हो चाहे वो रासायनिक या किसी भी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः उसको उत्पन्न कर लिया जाए वह कहलाते हैं नवीकरणीय संसाधन। उदाहरण के तौर पे मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे सौर ऊर्जा हुआ, पवन ऊर्जा, जल हुआ, वन हुआ, वन्य जीव हुआ, इन संसाधनों को सतत मतलब बार बार अथवा प्रवाह संसाधनों में विभाजित किया गया है, मतलब इन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, यह होते हैं नवीकरणीय संसाधन। इसके बाद आप हेडिंग डालोगे अनवीकरणीय संसाधन, 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, ये वाला जो प्रश्न है 4 नंबर के लघुत्तरीय का प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इन संसाधनों का विकास एक लंबे भूवैज्ञानिक अंतराल में होता है। खनिज और जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण है, जैसे जीवाश्म, यहाँ पे आपका पहला पॉइंट जीवाश्म ईंधन हुआ। ठीक है, ये एक बार खत्म हो जाएगा तो पुनः आप इसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो जीवाश्म ईंधन इस प्रकार के संसाधनों के उदाहरण हैं। इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं। इनमें से कुछ संसाधन जैसे धातुएं पुनः चक्रीय हैं, और जैसे पेट्रोल डीजल जैसे कुछ संसाधन अचक्रीय हैं, वे एक बार के प्रयोग के साथ ही क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जैसे गाड़ी में आप पेट्रोल भराते हो, तेल खत्म तो खत्म हो गया, पुनः उसको प्राप्त नहीं किया जा सकता है। ठीक है, ये चीजें, तो दोनों क्लियर हो गया होगा कि नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन क्या है। पहला प्रश्न क्लियर हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए बात करेंगे दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए दूसरा प्रश्न है 6 नंबर के लिए, यह दीर्घ उत्तरीय का प्रश्न है, दीर्घ उत्तरीय महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 6 नंबर के लिए प्रश्न है, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। 2022 में भर के क्वेश्चन आया था, 5 पेपर कोड होता है, 5 कोड होता है, 3 पेपर के कोड में यह प्रश्न पूछा था, इसलिए हमने इसको लिखा है। वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। लिखेंगे अधिक विदेश व्यापार और आधुनिक विदेशी निवेश के कारण विभिन्न देशों के बाजारों एवं उत्पादनों में एकीकरण हो रहा है। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वैश्वीकरण कहलाती है। इसके बाद आगे वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा देने में निम्नलिखित कारकों की भूमिका महत्वपूर्ण है, मतलब कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया को बढ़ावा दे रहे हैं, तो कुछ पॉइंट बना बना के ऐसे अलग अलग कारक लिखे। जैसे पहला है बहुराष्ट्रीय कंपनियां, ठीक है, ये कैसे वैश्वीकरण को बढ़ावा दे रही है उसको देखेंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियां वैश्वीकरण की प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभा रही है। विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं और सेवाओं, निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है। इससे विश्व के अधिकांश भाग एक दूसरे के अपेक्षाकृत अधिक पास रहे हैं। ठीक है, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, अलग अलग कंपनी है। ठीक है, जैसे हमारे देश में कोई कंपनी है, दूसरे देश में वो कंपनी नहीं है, तो हम लोग यहाँ से माल बनाकर वहां पे सप्लाई कर देंगे। ठीक है, चाइना वाला माल हम लोग नहीं बनाते हैं, तो चाइना वाला हम लोग को सप्लाई कर देंगे, ये चीजें हैं। ठीक है, दूसरा आपका है उन्नत प्रौद्योगिकी, दूसरा जो है आपका है उन्नत प्रौद्योगिकी, इसमें लिखेंगे हम लोग वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी में तीव्र उन्नति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। परिवहन में उन्नति से 2 देशों के बीच दूरी कम हो गई है।
ठीक है, उन्नति प्रौद्योगिकी में अलग अलग देशों में अलग अलग प्रौद्योगिकी विकास कर रहा है, उससे हम लोग लेन देन की भावना रख रहे हैं, ठीक है। तो वहां वही कह रहा है कि उन्नति से दो देशों के बीच की दूरी जो हो गई है वो कम हो गई है, ठीक है। प्रौद्योगिकी बढ़ रहा है, अलग अलग मार्ग बनाए जा रहे हैं जिससे हम लोग आसानी से व्यापार कर पाएंगे, ठीक है। तो ये चीज है, पहले मार्ग नहीं रास्ता नहीं बना रहता था तो बहुत टाइम लग जाता था, ठीक है। अब तो आराम से हम लोग दूरी तय कर सकते हैं। अभी उसी में लिखना है आप लोगों को, जैसे दूर संचार, जैसे वही बोला है, दूर संचार हुआ, कंप्यूटर हुआ, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई है। इंटरनेट से यहाँ से ईमेल करेंगे तुरंत अमेरिका पहुंच जाएगा, अमेरिका वाले भेजेंगे हम लोग के पहुंच जाएगा, ऐसे अन्य देशों में हम लोग इंटरनेट की सहायता से तुरंत कोई भी बात अगर पहुंचानी होगी तुरंत पहुंचा लेंगे। दूर संचार सुविधाओं का विश्व भर में एक दूसरे से संपर्क करके सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों में संवाद करने में प्रयोग किया जाता है। जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में कंप्यूटरों का प्रवेश हो गया है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है। देखिए 6 नंबर के प्रश्न है, पूरा डिटेल में आप लोगों को लिखना पड़ेगा। देखिए अब तीसरा कारक जो है वो है आपका उदारीकरण। अब उदारीकरण क्या है उसको देखेंगे। उदारीकरण सरकार द्वारा व्यापार अवरोधकों को हटाने की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं उदारीकरण। उदारीकरण के कारण अनेक देशों के बीच व्यापार तथा निवेश को बढ़ावा मिला है। व्यापार के उदारीकरण से व्यापारियों को मुक्त रूप से निर्णय लेने की अनुमति मिल जाती है। इससे जो आयात और निर्यात को क्या मिल जाता है, बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां प्रमुख भूमिका निभा रही हैं, और साथ ही व्यापार और निवेश के उदारीकरण ने व्यापार और निवेश अवरोधकों को हटाकर वैश्वीकरण, ठीक है, वैश्वीकरण को सुगम बनाया है, ठीक है। बस ये प्रश्न कंप्लीट होता हुआ, लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, इसको याद कर लेना। इसके बाद वाला प्रश्न भी 2022 में पूछा गया था, बहुत इंपोर्टेंट। राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ये भी आप लोगों का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, ठीक है। ये भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, उसको हमने बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट करके लिखा हुआ ताकि कम समय में याद कर पाओगे, क्योंकि किताब में बहुत बड़ा दिया था, ठीक है। तो राष्ट्रीय ग्राम रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, मेन मेन पॉइंट हमने लिखा है इसमें कि केंद्र सरकार ने भारत के लगभग 625 जिलों में काम का अधिकार लागू करने के लिए एक कानून बनाया है। इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहते हैं, जिसे मनरेगा कहते हैं। इसके प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं, कौन कौन से उद्देश्य निम्नलिखित हैं देखते हैं। पहला यह है उन सभी लोगों को जो काम करने में सक्षम है और जिन्हें काम की जरूरत है, कि सरकार द्वारा वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी दी गई है, कि जो लोग काम बेरोजगार हैं उन्हें वर्ष भर में 100 दिन लगातार काम मिलेगा, मतलब साल भर में 100 दिन तक काम मिलेगा उनको, ताकि वो अपना रोजगार चला पाए। इसके बाद दूसरा जो है, यदि सरकार रोजगार उपलब्ध कराने में असफल रहती है तो वह लोगों को बेरोजगारी भत्ता देगी। कह रहा है कि अगर सरकार अगर रोजगार नहीं दे पा रही है तो भाई रोजगारी भत्ता देगी लोगों को, ठीक है। इसके बाद तीसरा है, इस अधिनियम में उन कामों को वरीयता दी जाएगी जिनसे भविष्य में भूमि से उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी, ठीक है। यह बात तो तीन हमने आप लोगों को यहाँ पे इसके उद्देश्य बता दिया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कितना शॉर्ट में हमने बात को इसमें लिखा है, किताब में तो बहुत बड़ा दिया था, याद भी नहीं कर पाओगे आप। इतना आप लिख के आना, पूरा पूरा नंबर मिल जाएगा, क्योंकि आपने वो बात इसमें मैं लिखा हूं जो कि एग्जामिनर को पसंद आएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखिए, यह प्रथम विश्व युद्ध के किन तीन परिणामों का उल्लेख कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रथम विश्व युद्ध के किन तीन परिणामों का उल्लेख कीजिए, तो देखिए यहाँ पे उत्तर आप हेडिंग लिखोगे, यहां से लिखना है, प्रारंभ करोगे। प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1919 तक चला। यह युद्ध दो खेमों में लड़ा गया था, एक तरफ मित्र राष्ट्र यानी ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, तो दूसरी तरफ आपका केंद्रीय शक्तियां यानी जर्मनी थी और ऑस्ट्रिया हंगरी और ऑटोमन तुर्की थे। मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। इस युद्ध में दुनिया के प्रमुख औद्योगिक राष्ट्र एक दूसरे से जूझ रहे थे। इसके विश्व भर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़े, कौन कौन से प्रभाव पड़े भाई देखते हैं। पहला प्रभाव लिखेंगे, यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टेलीग्राफ
टैंकों, हवाई जहाजों और रासायनिक हथियारों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया गया है। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योग की देन थी। ये तो पहला आपका प्रभाव। दूसरा प्रभाव क्या पड़ा? इस युद्ध ने मौत और विनाश की जैसी विभीषिका रची, उसकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना नहीं की जा सकती थी। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए और लगभग 2 करोड़ लोग क्या हुए, घायल हुए। देखिए बहुत फैक्चुअल चीज लिखवा रहा हूँ जो इंपोर्टेंट है, एग्जाम में ये लिखोगे पूरा नंबर मिलेगा। फिर तीसरा है, मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी लोग थे। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम रह गई। परिवार के सदस्य घर जाने से युद्ध के बाद परिवारों की आय भी क्या हुई, गिर गई। इसके बाद चौथा जो इसका पॉइंट है, चौथा क्या प्रभाव पड़ा? युद्ध के कारण दुनिया की कुछ सबसे शक्तिशाली आर्थिक ताकतों के बीच आर्थिक संबंध टूट गए। अब वे देश एक दूसरे से बदला लेने पर उतारू थे। देखिए जो फैक्चुअल चीज आप लोगों को बतानी थी वही चीज हमने लिखवाया है इसमें, यही पॉइंट्स आपको लिखना है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद कर लेना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न उससे भी बेहतरीन प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए यह प्रश्न 100% जो प्रश्न बता रहा हूँ आप तैयार करके जाना, 2023 बोर्ड एग्जाम में 100% यहाँ से प्रश्न बनना अनिवार्य है। कह रहा है कि प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, 2 कारण बताइए। देखिए एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आए हैं, इस बार आप उठाकर देख लीजिए समाज विज्ञान के पेपर्स, ऐसे ऐसे प्रश्न पूछा है ना, सबसे ज्यादा तो नागरिक शास्त्र अर्थशास्त्र से प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो यह प्रश्न देखते हैं, प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार उत्प्रेरित किया है, 2 कारण बताना है, लिखेंगे। ये 4 नंबर के लिए प्रश्न पूछा जाता है। औद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को निम्नलिखित प्रकार से उत्प्रेरित किया है, कौन कौन से? पहला, विगत 50 वर्षों में परिवहन प्रौद्योगिकी में अत्यधिक उन्नति हुई है। इसने लंबी दूरियों तक वस्तुओं तथा वस्तुओं की तीव्र आपूर्ति को कम लागत पर संभव किया है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को उत्प्रेरित किया है, ठीक है, पहला। दूसरा आपका है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का उपयोग विश्व में एक दूसरे से संपर्क स्थापित करने, सूचनाओं को तत्काल प्राप्त करने और दूरवर्ती क्षेत्रों से संवाद करने में किया जाता है, जिसने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सबसे तीव्र प्रेरित किया है। तो दो ही हमसे पूछा था, 2 कारण, दोनों कारण हमने बता दिया। 4 नंबर के लिए प्रश्न है, 1 कारण बताओगे तो 2 नंबर, 2 कारण बताओगे तो 4 नंबर, ऐसे ऐसे प्रश्न बनेंगे, आराम से नंबर उठा लोगे बस। हालांकि जितना प्रश्न बता रहा हूं ये सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन 3 कारणों का उल्लेख कीजिए। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो लिखेंगे, प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन के किन 3 कारण का उल्लेख करना है, 3 कारण बता देते हैं भाई। भारत छोड़ो आंदोलन के 3 कारण निम्नवत हैं, कौन कौन है? पहला, इस आंदोलन का तत्कालिक कारण क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था। कह रहा है इस आंदोलन का जो तत्कालीन कारण था वो क्रिप्स मिशन के बिना किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचे ही समाप्त हो जाना था। दूसरा जो है वह द्वितीय विश्व युद्ध में भारत का ब्रिटिश सरकार को बिना शर्त समर्थन करने की मंशा को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा सही से न समझा जाना। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था की स्थिति काफी खराब हो गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी, ठीक है। तीसरा जो है वह है, ब्रिटिश सरकार विरोधी भावना तथा पूर्ण स्वतंत्रता की मांग ने भारतीय जनता के बीच लोकप्रियता हासिल कर ली थी। वहीं अखिल भारतीय किसान सभा, फॉरवर्ड ब्लॉक आदि जैसे कांग्रेस से संबंध विभिन्न निकायों के नेतृत्व में 2 दशक से चल रहे जन आंदोलनों ने इस आंदोलन के लिए पृष्ठभूमि निर्मित कर दी थी, ठीक है। ये सामाजिक विज्ञान के प्रश्न है, ठीक है। जल्दी सामाजिक विज्ञान के प्रश्न याद होते नहीं है बच्चों से जनरली, मैं देखा जाऊं तो किताब में बहुत बड़े बड़े इसके उत्तर बहुत बड़े बड़े दिए थे, लेकिन हालांकि हमने बहुत छोटा करके इन प्रश्नों को आप लोगों को बता रहा हूँ कि ताकि कम समय में आप पूरा क्वेश्चन लिख पाओ और याद भी कर लो,
इसलिए मैं उसको बहुत इसको छोटा करके आप लोगों को कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, मेन मेन पॉइंट जो कि आप आसानी से याद कर पाओगे। एग्जामिनर यही सोचता है कि कम समय में, मतलब कम शब्द में कोई हमको पूरा समझा दे, ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा नंबर मिलता है। आलतू फालतू बनाकर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, आप बस जितना बता रहा हूँ उतना फोकस करो, पूरा का पूरा नंबर मिलने वाला है आप लोगों को। तो देखिए यहाँ पे हमने इतने सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताया, ईमानदारी से इन क्वेश्चन की नोट बनाइए, आप एक बार लिखिए, दो बार इसको पढ़िए, तीन बार पढ़िए, एग्जाम तब टाइम आ जाएगा, एक महीने में उसको एक बार दोहरा कर चले जाइएगा, गारंटी कोई फेल नहीं कर सकता। हालांकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो मैं डेली आप लोगों को दे रहा हूँ, इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा कि 20 में 20 आ जाएगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।